अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शामिन डेली व्लॉग्स। तो जी, आज का व्लॉग जो है वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज बहुत से काम हैं घर में, वो भी करने हैं, मशीन भी लगवानी है जब मेड आ जाएगी। तो फिलहाल तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो गया, इनके बाबा और मैं जो है वो नाश्ता कर चुके थे। हम लोगों ने टोस्ट खाए थे जब बच्चे स्कूल गए थे। इनके बाबा जो है वो बच्चों को लेने गए मैं स्कूल, और यहाँ जब मैंने बच्चों के लिए आटा निकाल के रख लिया था पहले ही। और अभी जो है वो थोड़ी देर पहले मेरे भाई आए थे, भाभी ने जो है वो हलीम बनाई थी तो वो लेकर आए थे साथ में। तो यहाँ जो है वो घर में ख़ुद बनाई थी उन्होंने माशाल्लाह से हलीम, ना उनको बहुत पसंद है हलीम। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो मैं इतना शौक से नहीं खाती हूँ, मेरा बेटा है ना हमज़ा साहब, वो जो है वो शौक से खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ना उसके लिए भिजवाई है अम्मी ने ना। तो यहाँ जो है उसको अभी अभी ला कर रखा है उन्होंने, तो मैंने थैली से निकाल दिया था। और उस यूसुफ साहब जो है वो आपको सलाम करने के लिए आए थे यहाँ पर वीडियो में, तो आप उनको जवाब दे दीजिएगा वालेकुम सलाम का। अच्छा जी, यहाँ तो ना अच्छा इनके बाबा लेने गए मैं बच्चों को, तो मैं जल्दी जो है वो नाश्ता भी बना रही हूँ, क्योंकि इन लोगों का जो ये कि बस आते साथ ही ना इन लोगों को नाश्ता चाहिए होता है, तो ऐसे मैं पहले से ही तैयारी इन लोगों के नाश्ते की ना करना शुरू कर देती हूँ। तो यहाँ जो है वो जल्दी बस मैं इन लोगों का नाश्ता बनाऊँगी, ताकि लोग आए तो फिर इन लोगों को नाश्ता दूँ और अपने बाकी काम जो है वो स्टार्ट करें। अच्छा, यहाँ जो है वो नाश्ते में उस यूसुफ साहब जो है वो सुबह तो पापे खाते हैं, वो थोड़ा बहुत ही यानी कि ना एक आध पीस जो है वो पापे के ले लेते हैं, बाकी जो है वो नाश्ता ना प्रॉपर तरीके से जो है जब इनके भाई आते हैं तो जब ही वो खाते हैं। वैसे तो वो नमकीन वगैरह से ही खाते हैं शौक से, तो उनके लिए जो है वो अलग से ही बनता है नमकीन वगैरह अगर जो उनको पसंद हो, या कबाब वगैरह हो, तो वैसे भी मैं बना कर रखती हूँ बच्चों के लिए ना कबाब देने के लिए, तो अच्छा रहता है इस तरह से बना कर रख लो तो आपको नमकीन की भी टेंशन नहीं रहती और हेल्दी भी हो जाता है बच्चों के लिए, और अंडा वगैरह इस तरह से चल जाता है कभी कभी ना। तो बस यहाँ पर जो है वो पराठे मैंने डालना शुरू कर दिए थे, और सबसे पहले तो डाल दिया मैंने पराठा, और जो है ये सेक रही हूँ अब। ये जैसे ये हो गया है रोटी की तरह बन गया, तो इसको घी लगा के इसको मैं सेकूँगी अच्छे तरीके से। अच्छा, इसका ना थोड़ा रोटी की तरह जब हो जाता है फिर घी लगा के सेको ना, तो आपकी टाइमिंग की थोड़ी बचत हो जाती है, तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। मेरा बहुत जल्दी मैं नाश्ते से फारिग हो जाती हूँ बना कर ना, मेड आएगी तो वो सब साफ़ करेगी। तो जी, मोबाइल जो है वो मेरे हाथ से जो है वो गिर गया था, लेकिन अल्लाह का जब भी मैंने फ़ौरन से ना वीडियो स्टॉप करी कि मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, मैं डर गया, मैं समझी कि ना स्क्रीन तो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि स्क्रीन नहीं गई। बस ये थोड़ा बहुत प्रोटेक्टर में जो है वो निशानात आए हैं, बाकी जो है स्क्रीन जो है वो बच गई। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी कि क्या बोलूँगी मैं कि ये कैसे टूट गई, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि स्क्रीन बच गई। असल में ये जो मोबाइल है ना, मैं और मेरे बेटे दोनों यूज़ करते हैं हम दोनों ना, तो उनको भी ये कि वो भी बड़ा केयर करके रखते हैं ना कि ये चीज़ जो है वो ख़राब ना हो। तो जी, ये आ गए, इनकी पीटी थी, पीटी डे था आज, ये बड़े वाले बेटे ये आ गए हैं, अभी पीछे से आएंगे हमजा साहब, ये भी आ गए, आज पीटी डे था। आज मैं और मेरे दोस्त खड़े हो गए बैठ के पीछे वाली बेंच पे, काम साहब भी आ गए, इनकी भी हमजा और इनका जो है वो पीटी यूनिफॉर्म सेम है, कलर जो है उनका सेम है। कैसा रहा भाई आज का दिन स्कूल का? अच्छा, अच्छा रहा, अच्छे से पढ़ाई की? चलो सही, जॉब यूनिफॉर्म चेंज करो, मैं नाश्ता बना लूँ। तो यहाँ जिन लोगों ने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर लिया था, इन लोगों को नाश्ता देके मैं फारिग हो गई थी। और इनके बाबा के लिए जो मैंने रोहनी रोटी बनाई थी, हमारे यहाँ फेमस डिश, इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी मैं, तो उनको वो दिया अंडा रोटी। और यहाँ जो है मैंने अपने लिए चावल गर्म करे, क्योंकि मैं जो है वो पराठे वगैरह नहीं खाती हूँ शौक से ना, मुझे इतना वो नहीं लगता है दोपहर के टाइम पर खाना, मैं एक ही बार नाश्ता कर देती हूँ टोस्ट वगैरह का। तो ये जो है मेरा प्लेटर बन गया है, यहाँ मैंने ना अंडा फ्राई कर लिया था और अपने लिए प्याज काट ली थी, और दाल घर की बनी हुई थी ना, तो वही मैंने जो है वो खा ली थी। अच्छा, यहाँ जो है वो मेड भी आ गई थी, उसने जो है वो मशीन लगा ली थी, तो यहाँ जो है वो साथ साथ मशीन भी लगी हुई है। और दूसरा ये कि मैंने ना यहाँ पे अनार का जूस निकालना था, इनके बाबा लेकर आए हुए थे, पर वो जो है अनार ना ऐसे ही निकालते, उनको ना खट्टा लगता है बहुत, तो इसलिए मैं ना उनके लिए जूस वगैरह जो है वो निकाल के दे देती हूँ उनको। तो यहाँ पर तो मैंने सबसे पहले काला नमक मिला दिया था इसके अंदर, ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए जल्दी से। और यहाँ पर जो है ना, और मैं भूल भी जाऊँ भूल ना जाऊँ, इसे मैंने पहले ही मिला दिया था। अच्छा, और यहाँ जो है ना मैंने चीनी ली थी और वो डाल दिया था यहाँ पर, और बस इसको सिंपल सही बनाया, उसको छान के जो है इनके बाबा को मैं दे दूँगी। और क्या कहते हैं ना, छन्नी जो है मैं इस तरह की मंगा के ना अलग रखती हूँ, जैसे मुझे जूस वगैरह जो है वो छान लेंगे, ना थोड़ा अच्छा होता है, कचरा मोटा भी निकल जाता है, बारीक भी निकल जाता है, इसके लिए सेपरेट मैं मंगाती हूँ ना। तो ये जो है अब जो बाकी बचा वो मैं बच्चों को दे दूँगी, ये लोग भी पी लेंगे।
अच्छा कपड़े जो हैं यहाँ धुल गए हैं, और साथ साथ जो है मैं आपको दिखाती हूँ यूसुफ साहब, ये जो हैं वो साथ साथ ही रहेंगे हलीमा के जब भी जो है वो मशीन लगती है हमारे यहाँ ना, ये साथ कपड़े डलवाने जाएंगे। मैं इतना रोकती हूँ लेकिन ये सुनते ही नहीं हैं। बस अब जो इन्होंने ठान ली ना बात, तो बस इनको वही काम करना है। अच्छा यहाँ जो मैं बच्चों के लिए लंच भी बनाकर रख रही थी, तो यूसुफ साहब तो अपना खेल में लग गए थे। अब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1 किलो, और ना ये मैंने बोनलेस लिया था, इसको धो के ना मैंने पहले ही खुश कर लिया था अच्छे तरीके से। हरा धनिया के लिए मैंने 1/2 कप लिया था, और उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया था, और हरी मिर्चें ली थी मैंने 2, उसको चॉप कर ली थी इस तरीके से, और इसमें डाल दिया चॉपर में। अब इसको जो हम बारीक बारीक बिल्कुल ना फाइन मैंने इसको चॉप कर लिया, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखें पानी भी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर ना, तो ये देखें एकदम इसी तरीके से ना हमें महीन महीन बिल्कुल पीसना है, चॉप अच्छे तरीके से हमें चॉप कर लेना है ऐसे। अच्छा यहाँ जो है उसको चॉप कर लिया, और यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स लिए थे 7 to 8 tablespoons जो मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए थे ना, टेबल स्पून के करीब मैंने ले लिए थे इसके अंदर ना। अच्छा और यहाँ पे जो है ना 1/2 teaspoon मैंने काली मिर्च ली थी यहाँ पर, और साथ ही साथ मैंने पिसा गरम मसाला लिया था 1 teaspoon, और पिसा धनिया लिया था मैंने 1 teaspoon, और यहाँ पर मैं साथ ही साथ शामिल कर दूँगी नमक, नमक मैंने लिया था 1.5 teaspoon, और यहाँ पर जो है वो चिली पाउडर डालूंगी मैं, चिली पाउडर मैंने लिया था 1 teaspoon। अच्छा ये जो है ना मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने स्पाइस जो है वो थोड़ा कम ही रखा था ताकि लोग जो आराम से खा लेना, तो इसको आप अपनी तरफ से एडजस्ट कर लीजिएगा स्पाइस ना। और यहाँ पर जो है मैंने 2 tablespoon जो है वो लेमन जूस जो वो भी ऐड कर दिया था इसके अंदर ना। तो अब जो है यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसका भी देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट था वो मैंने डाला है। अच्छा यहाँ दही लिया था मैंने 3 tablespoon, ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छा दही का ना फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो दही लाजमी डालना है इसमें। अच्छा ये जो है ना ये चैटर चीज़ है, ये मैंने पूरी एक जो आपका क्यूब मिलता है ना पूरा, ये मैंने ले लिया था, और इसको जो है वो श्रेड कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। आप चाहें तो वो श्रेड हुआ हुआ ले लें, या स्लाइस ले लें जो भी है, या चॉपर के जब चॉप कर रहे हैं ना तो उसी वक्त ही डाल के मोटा मोटा इसको काट के डाल दें। तो मैं तो खैर इस तरह से डाल देती हूँ, वो थोड़ा आता है ना फ्लेवर मुँह में तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस तरीके से डालती हूँ। अच्छा यहाँ जो है मैंने इसको भी श्रेड कर लिया था, अब इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर चाहें तो ऑरिगैनो भी डाल सकते हैं, ऑरिगैनो का फ्लेवर भी अच्छा लगेगा। अच्छा यहाँ मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि हल्दी मैंने नहीं डाली थी, तो हल्दी भी यहाँ 1/2 teaspoon डाल के मैंने इसको मिक्स किया, और 1/2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। अच्छा छोड़ने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे स्टिक बनाना जो है वो शुरू कर दी थी, फिर मुझे याद है मैंने कल मैंने इनको बताया तो नहीं कि किस तरह से शेप देना है इसका। मैं तो खैर इस तरह से देती हूँ स्टिक्स में, आप चाहें तो इसको कोई और भी शेप दे सकते हैं ना। इस तरीके से बना बना के मैं इसको रखती जाऊँगी, और साथ में मैं इसके बीच में ना थैली बिछा दूँगी इसमें ना, ऐसे करके थैली बिछा के और लाइन लगा दूँगी मैं सारी ना इसमें स्टिक्स की, ताकि जो है वो स्पेस भी बन जाए और हमारे जो है फ्रीज़ करने में आसानी भी हो जाए। तो बस इसी तरीके से बना बना के सारा हम रखते जाएंगे। आप जो है वो जो भी आपको इजी लगे आप दीजिएगा, आपके बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। अभी तो खैर मेरे बच्चों को पता नहीं है, उनके लिए तो ये चीज़ सरप्राइज़ है, वो ट्यूशन गए हैं और यहाँ मैं अपना काम कर रही हूँ सारा ना। अच्छा यहाँ से वो सारी स्टिक्स मेरी बन गई हैं, अब इसको मैंने कंटेनर जो है इसका बंद कर लूँगी, और इसको रख दूँगी मैं फ्रीज़र में, क्योंकि इसको फ्रीज़ करेंगे और साथ साथ जब भी बच्चे बोलेंगे एक दिन गैप से जब भी ये, मैं इन लोगों को देती रहूँगी, क्योंकि दो तीन चीज़ें मैं और भी बना कर रखती हूँ, तो उन लोगों को मैं अलग अलग सेपरेट कर देती हूँ और मिक्स करके देते हैं ना। तो ये मैंने डाल दिया फ्रीज़र में, अब ये हो जाएगा फ्रीज़। और ये जो है मैं लाइट कलर भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, डार्क भी, मैंने जो फ्राई करके आपको दिखा दी किस तरह से जो है वो इसकी लुक आ जाएगी। अच्छा यहाँ जो है मैं साथ साथ सालन भी चढ़ा रही थी अपना, यहाँ मैंने 1/2 कप मैंने ऑयल लिया था, और प्याज दी थी मैंने यहाँ पर 3, उसको ना मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। अब इसको जो है हम ब्राउन कर लेंगे, अब यहाँ हमारी जो है ब्राउन हो गई है प्याज, और इसको ना ब्राउन करने के बाद जो है वो मैं सेपरेट कर लूँगी ना प्याज को, तो इसको जो है हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा यहाँ जो मैं बना रही हूँ ना आलू मुर्गी बना रही हूँ मैं यहाँ पर, और इसको मैं बना रही हूँ कोरमे स्टाइल में ना, ज़रा यूनिक स्टाइल बना रही हूँ, क्योंकि आलू चिकन खा के आप थक जाते हो ना एक ही जैसा सेम ही टेस्ट, तो इसलिए आज मैं ज़रा फ्लेवर चेंज करी, तो मैंने कहा आपके साथ जो इसकी रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। अच्छा यहाँ जो है मैंने चिकन लिया था 3 पाव, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला 1.5 टेबल स्पून, और इसको मैं इतना भून लूँगी कि इसका जो है वो कलर भी चेंज हो जाए, और साथ ही साथ जो है वो पानी भी इसका खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से, जब ये फ्राई हो जाएगा तो मैंने प्याज दी थी और टमाटर लिया था मैंने ना। अच्छा इसमें मैंने 4 टमाटर लिए थे, और उसको इसके प्याज के साथ ही जो है वो पेस्ट बना लिया था मैंने अच्छे तरीके से ना। अब इसमें डाल दूँगा, अब इसमें थोड़ा पानी मिलाकर ना वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगा, क्योंकि गाढ़ा थिक था बहुत, तो वो निकल नहीं रहा था सही तरीके से, तो अब ये मैंने पानी डालकर ना इसमें जो है वो भी डाल दूँगी इसी के अंदर ही। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया इसमें, अब इसको जो है हम थोड़ा बहुत मिक्स करेंगे, भुनना तो नहीं हमें ज़्यादा, बस अभी सिर्फ मिक्स करना है, भुनेंगे हम आगे थोड़ा ना, तो बस अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से।
तो यहाँ जो है मैं मसाले भी शुरू कर दूँगी डालना। और यहाँ जो है मैंने लिया है 1.5 टीस्पून मैंने पिसा धनिया लिया था और 1 टीस्पून मैंने यहाँ गरम मसाला लिया है। और यहाँ पर अब मैं शामिल कर दूँगी नमक, नमक मैंने लिया था 1 टीस्पून। अभी आगे मुझे एक चीज़ और डालनी है इसके अंदर, तो इसलिए मैंने नमक का थोड़ा कम इस्तेमाल रखा है यहाँ पर। अच्छा, 1/2 टीस्पून जो यहाँ पर मैंने लिया था हल्दी, ये भी इसमें मैंने डाल दिया। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये है कोरमा मसाला, ये मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। और कोरमा मैंने मसाला डाला था और क्या फ्लेवर आता है इस सालन का कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा, साथ ही साथ ना मैंने केवड़ा भी डाल दिया था 1 टीस्पून ना, ताकि खुशबू और अच्छे से आए सालन में ना। तो बस इसको डाल के हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट होगा तो फिर इसके अंदर हम आलू अपना जो है वो शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर तो पहले हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। तो यहाँ भून गया था अच्छे तरीके से। और यहाँ मैंने आलू ना 5 आलू लिए थे, उसको मैंने शेप में कट कर लिए थे। अब इसको डाल के हम जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि आलू में भी ना इसका सारा मसाला जो है वो लग जाए। बस इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद ना फिर इसमें पानी शामिल करके ना फिर इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पानी मैंने लिया था 1.5 ग्लास ना, 1.5 ग्लास इनफ था शोरबे के लिए भी, और पककर ना पानी जितना कम रहे उसके लिए इनफ था यहाँ पर। बस इसको गलने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ जो है वो सालन हमारा पक गया है। और शक्ल देखिए कितनी ज़बरदस्त आ रही है। इसमें मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी, और ना हरी मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं कच्ची कच्ची खाती हूँ, तो इसलिए मैं एंड में ही इसको डालती हूँ। बस इसको बंद कर देंगे चूल्हे को। यहाँ मैं दिखा दूँ कि साथ में मैंने इसके बनाए थे चावल, और चावल जो है वो भी मेरे दम लग गए हैं। अब इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे। हाँ, जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि देखें सालन कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो बस अब इसको बाबा को देंगे इनके, और हम लोग भी खाना खाएंगे अब साथ में। अच्छा, यहाँ जो इनके बाबा खाना निकाल रहे हैं, ये लेग पीस जो है ये डाला इन्होंने, इनको ज़्यादा लेग पीस अच्छा लगता है, मुझे भी लेग पीस ही अच्छा लगता है। अच्छा, खाना जो हम दोनों एक ही प्लेट में खा रहे थे साथ साथ। बर्तन मैंने समेट दिए हैं, सालन भी मैंने निकाल दिया था एक छोटे भगोने में, और चावल जो है वो भी मैंने निकाल दिए थे इसमें, ताकि ना फ्रिज में रखने में आसानी हो जाए। सालन भी मैंने निकाल दिया है, अब जो है वो दूध बॉयल करने रखूँगी ताकि ना हो जाए। और भाई कैसा लगा आज का खाना? बहुत अच्छा था, मेरी फेवरेट लिस्ट से एक में जुड़ गया। अच्छा, इतना अच्छा लगा आपको? मेरी भी। हाँ, और आलू के साथ बहुत मजा आया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। हाँ, यमी लगा, यमी। एक्सलेंट। आज मैंने पता है नए स्टाइल से बनाया। एक्सलेंट। तुम लोग को यूनिक टेस्ट लगा सालन का? अच्छा लगा। फिर सही है, मैंने पता है इसके अंदर कोई यूनिक चीजें डाली थी ताकि ना सालन अच्छा बने। अच्छा, चलिए, तो बहुत अच्छी। मम्मा को तो बड़ी खुशी है आप लोगों को खाना पसंद आए। मम्मा की यही कोशिश होती है कि आप लोगों को खाना पसंद आए और आप लोग शौक से खाएं। आपको पता है आपका लंच भी बना के रख दिया है मैंने जी, और गैस करें क्या बनाया है जी, मैंने आपको बोला देखा था, चिकन टिक्का बोला था। हाँ, वही बना के रखी है। फिर तो सही है, वही बना कर रखी है। तुम्हारी फेवरेट है ना ये, और शायद की भी फेवरेट है ना, तो वो बनाकर रख दिए मैंने। अब कल आपको लंच में वही दूंगी मैं, सही है ना। दो हेलीकॉप्टर, वाओ। हाँ, जहाज भी और हेलीकॉप्टर भी है। अच्छा, ये बताया आपको खाना कैसा लगा? खाना अच्छा है, यमी है, यमी करते हैं यमी। तो जी, एक जो हरकत इन लोगों की बताऊं कि इन लोगों ने क्या किया है, ये देखें। सबसे पहले तो ये मेरी पेंटिंग है, ये तो टेढ़ी करी हुई मार मार के। और क्या किया भाई, यहाँ का सेवर लगा हुआ था वो इन लोगों ने गिरा दिया है तोड़कर। और वो थे उसैद साहब, इन्होंने ऐसा शॉट मारा कि जो सेवर जो है वो निकल गया। क्यों करा था? गलत बात है ना, बाबा ने अभी लाके लगाया था। हमजा साहब, आप भी थे इसमें शामिल जी। और फिर क्या हुआ, वो जाके सेवर पे लग गया। हम लोग भागे। और फिर ये छुपा के रखा क्यों था, बताया क्यों नहीं था तुम लोगों ने? मैं तो बताया, छुपाया क्यों था तुम लोगों ने ये? हमारे खाने के शौक नहीं था। अच्छा, और छुपा के रखा कहाँ था? वहाँ पे। अच्छा, और तुम लोगों को ये लग रहा था कि मम्मा को पता नहीं चलेगा या बाबा को? बेटे, हम आपके मम्मा बाबा हैं, छुप नहीं सकते आप लोग हमसे। अच्छा जी, यहाँ जो है मैं वापस आ गई अपने किचन में, अपने किचन को देखने के लिए और काम अपना आगे काम करने के लिए। अच्छा, यहाँ जो है बच्चों का तो चलो लगा ही रहता है, मैं इतना कुछ डांटती वाटती नहीं हूँ, उन लोगों को डांटती हूँ कि इन लोगों का एहसास भी हो, लेकिन ये कि इतना डांट भी नहीं सकते बच्चे, क्या करें, खेलेंगे और ये सब चीज़ें तो ख़राब होंगी ही, तो थोड़ा बर्दाश्त भी करना होता है और थोड़ा तरीका भी सिखाना पड़ता है, तो दोनों मिक्सअप चलता रहता है बच्चों के साथ ना, तो इसी तरीके से ही मैनेज करके हमें करना होता है सारे काम। अच्छा, यहाँ जो है वो बर्तन भी धुल गए थे साथ साथ, और ये लोग अपना क्रिकेट खेल रहे थे।
और मेरा भी थोड़ा टाइम पास हो जाता है बच्चों को देख देख कर ना, ज़रा किचन में काम भी करती रहती हूँ, बच्चों को भी इस तरीके से देखती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ जो है मैं चाय चढ़ा रही थी और साथ साथ दूध भी बॉयल कर रही हूँ। यहाँ जो हमारी चाय बन गई है, बस अब मैं हूँ, इनके बाबा हैं और शाहिद, हम तीन बस चाय पी रहे हैं, बाकी और कोई, इन लोगों ने मना कर दिया चाय के लिए ना। तो यहाँ जो है मैंने चाय निकाल ली है इनके बाबा और हम लोगों के लिए, बस हम लोग पियेंगे, इन्जॉय करेंगे, आप भी इन्जॉय करें। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, और जब भी चैनल में आए तो भाई कमेंट दिए बगैर भी ना जाया करें कि आपको मेरे व्लॉग ना कैसे लगते हैं, तो अपना कमेंट भी देना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। दोबारा मुलाकात करेंगे, अल्लाह हाफिज़।